हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने लाइफ की पहली स्कूल की, उस स्कूल के अंदर हम लोगों ने कितनी अर्निंग की, आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं, उस स्कूल में हमने किस तरह से बच्चों के फिंगरप्रिंट लिए, प्रिंसिपल से कैसे बात की, वाइस प्रिंसिपल से कैसे बात की, स्कूल के सेक्रेटरी को हमने कैसे कन्विंस किया, स्कूल में सेमिनार कैसे किया, मिड बैंड एक्टिवेशन का डेमो कैसे दिखाया, प्रिंसिपल मीटिंग कैसे की, बच्चों की क्लासेज स्कूल में कैसे कराई, क्योंकि लगभग एडमिशन 300 स्टूडेंट्स के थे, लगभग 300 स्टूडेंट को हम लोगों ने स्कूल में क्लासेस कैसे कराई। हमारे पास तो टीम भी नहीं थी, लाइफ की पहली स्कूल हम लोगों ने की थी, उस स्कूल में इतने सारे बच्चों को हम लोगों ने क्लास कैसे कराई, इतने सारे बच्चों की काउंसलिंग कैसे करी हम लोगों ने, DMIT की रिपोर्ट किस तरह से बनी, सारी चीजों के बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे जानकारी देने वाला हूं। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आप भी हमारी तरह 11 साल पहले की मैंने जर्नी बताई है, आप अब अगर फ्रेंचाइजी लेके स्टार्ट कर रहे हैं तो आप भी लाइफ की पहली स्कूल करेंगे। अगर आपको भी इस वीडियो को देखने के बाद लगे कि ऐसे चैलेंज तो मेरे साथ भी आते हैं, तो फिर इस वीडियो के अंदर मैं उन सभी चैलेंज को ओवरकम करने के भी आपको सॉल्यूशन साथ साथ बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपके अगर साथ में ऐसे चैलेंज आ रहे हैं तो आप उन्हें दूर कर सकते हैं और स्कूल के बाद स्कूल करते जाएंगे, अर्निंग करते जाएंगे और समाज को रियल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी आप लोग दे पाएंगे। वीडियो में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों को एक गुड न्यूज में बता देना चाहता हूं, जो मोस्ट अवेटिंग चीज थी। बहुत लंबे टाइम से लोग हमारी फ्रेंचाइजी और बहुत सारे लोग हमारे जो YouTube के सब्सक्राइबर हैं वो सभी लोग इंतजार कर रहे थे, तो मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा कि मेरे साथ में एक बुक मौजूद है जिसकी बहुत लंबे टाइम से इंतजार थी। ये बुक का नाम है करोड़पति कैसे बने। ये बुक्स के जरिए हम लोगों ने भी अपनी लाइफ को बदला है, हम भी ने भी करोड़ ऑफ रुपीज अर्न किए हैं, काफी प्रॉपर्टीज भी हम लोगों ने अर्जित की है, वैसे ही आप भी कर सकते हैं। हमारा जो आप देख पा रहे होंगे, पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, जो ऑथर है उनका नाम है देवेंद्र दत्त शर्मा, जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो बुक आप देख रहे हो, इस बुक को जिन्होंने लिखा है वो कंपनी के CEO हैं साथ में, और राजस्थान गवर्नमेंट में स्टेट सर्विसेज में एडिशनल कलेक्टर के पद पे भी रहे हैं, काफी ऊंची पोस्ट पे रहे, 30 साल नौकरी करने का उनको अनुभव, साथ में 12-13 साल का इस प्रोग्राम, इस DMIT मिड बैंड एक्टिवेशन के फील्ड की जर्नी का उनको अनुभव, इतना 40-42 साल का एक्सपीरियंस का उन्होंने इसमें निचोड़ जो है वो समावेश किया है, डाला है। इस बुक को पढ़ने के बाद हम निश्चित तौर पर आप भी अपनी लाइफ के अंदर आमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं और साथ साथ आप भी करोड़ों रुपीज जो है अर्न कर सकते हैं। इसलिए इस बुक को खरीदना बिल्कुल ना भूलें और इसे पढ़ना ना भूलें। अपने जितने भी यार दोस्त हैं जिन्हें आप लगता है कि बुक पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं, उन्हें जरूर इस बुक के बारे में शेयर करें और आप लोग इसे जरूर जो है परचेज करें बुक को। इस बुक के अंदर वो सारी बातें बताई गई है जो हम लोगों ने 11-12 साल में सीखी है, ताकि जो चैलेंज हमें आए वो हमने इन्हें कहानियों के रूप में इस बुक के अंदर संजोया है, ताकि आपको बड़ा रोचक लगे, पढ़ने में बोरियत फील ना हो। आप इस बुक को पढ़ेंगे, मैं निश्चित आपको ये वादा कर सकता हूँ, आश्वासन दे सकता हूँ कि आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने लाइफ की पहली स्कूल की। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि इस बुक को मैं कैसे परचेज करूं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस बुक की प्राइस आप पे करके इस बुक को अपने एड्रेस पे मंगा सकते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप पर आप अपना एड्रेस भेज सकते हैं, जो नंबर आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर उस पर आप भेज सकते हैं, ताकि ये बुक आपको अपने एड्रेस पे भेज दी जाए। स्क्रीन पर दिख रहे बार कोड को, जो बार कोड आपको दिखाई दे रहा है उसे आप स्कैन करके इस अमाउंट को पे कर सकते हैं और बुक जो है वो आप रिसीव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जिस चीज का आपको इंतजार था ये जानने का कि किस तरीके से टीम 360 वालों ने अपनी लाइफ की पहली स्कूल की, उनका भी अनुभव हम लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग अक्सर ये बोलते हैं, यूट्यूब पे कमेंट करते हैं, हमें फोन के जरिए बताते हैं कि सर आप अपनी फ्रेंचाइजी के एक्सपीरियंस और उनकी अर्निंग के बारे में तो बताते हैं, उन्होंने कैसे अर्निंग करी, क्या किया, लेकिन हम आपका जर्नी जानना चाहते हैं कि आपने कैसे संघर्ष करके इतना ऊंचे लेवल पर आप 11 साल से टिके हुए और इस फील्ड के अंदर नंबर वन पे कैसे हैं। आपने अपनी लाइफ की पहली स्कूल की शुरुआत की, तब आपको क्या दिक्कतें आई और आपने कैसे स्टार्ट किया, तो चलिए हम लोग जान लेते हैं इस वीडियो के अंदर कि हमने लाइफ की पहली स्कूल कैसे की। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये कंसेप्ट जो है उसकी शुरुआत कंपनी के CEO मिस्टर DD शर्मा, देवेंद्र दत्त शर्मा जी ने हमें इंट्रोड्यूस किया और इस कंपनी की शुरुआत की। दिसंबर 2012 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था इस कंपनी के फॉर्म में, लेकिन अगर बात की जाए तो कंपनी फॉर्म होने से पहले ही हम इस फील्ड में उतर चुके थे और हम लोगों ने 3-4 स्कूल कर दी थी।
और स्कूल से अर्निंग भी कर ली थी। बाद में हमने इसे सिस्टम के रूप में तरीके से करने के लिए कंपनी को फॉर्म किया दिसंबर 2012 में। उसके बाद कंपनी के जरिए हम लोग आगे बढ़ने लगे, क्योंकि हमारी कंपनी की जो टीम है उनका यह मानना था कि जब तक कंपनी आपके साथ में नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि इंडिविजुअल एंटिटी एक सीमित लिमिटेड एरिया तक जा सकती है, आगे बढ़ सकती है, उसे ज्यादा ऊंचाइयों तक भागने के लिए कंपनी की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए आप देख पा रहे होंगे बड़ी बड़ी कंपनियां आगे बढ़ती है। हम रिलायंस का नाम जानते हैं लेकिन मुकेश अंबानी का बाद में जानते हैं, पहले जानते हैं रिलायंस इंडस्ट्री इतना आगे बढ़ रही है। खड़ा उस कंपनी को मुकेश अंबानी जी ने ही किया है या उनकी टीम ने किया है मिलकर, लेकिन रिलायंस का नाम पहले आता है। तो उनको जब इतना बड़ा एम्पायर बनाने में टीम की जरूरत, साथ में कंपनी को फॉर्म करना पड़ा, तो उसी को देखते हुए हम लोगों ने स्टार्ट किया। चलिए हम लोग बात करते हैं कि स्कूल में क्या हुआ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जब हमारे सामने कंसेप्ट आया और हम लोगों ने भी ये सोचा आप ही लोगों की तरह कि क्यों ना यार इस कंसेप्ट को बच्चों के साथ इंट्रोड्यूस करें, लेकिन हमने सोचा बच्चे हमें कहाँ मिलेंगे, तो बच्चे तो सबसे ज्यादा स्कूल में मिलते हैं, कोचिंग सेंटर में मिलते हैं, कॉलेज में मिलते हैं, यूनिवर्सिटी में मिलते हैं। लेकिन इस कंसेप्ट की कुछ खासियत थी कि ये 5 से 15 साल के बच्चों को ही कराया जा सकता था, इसलिए हमने देखा 5 से 15 साल के बच्चे मैक्सिमम हमें स्कूल में मिल सकते हैं। तो हमारी टीम ने हमने मिलकर डिसाइड किया, टीम मतलब मैं, मेरा नाम विनीत शर्मा है, विपुल शर्मा और साथ में देवेंद्र दत्त शर्मा जो हमारी कंपनी के सीईओ। ना मेरी शादी हुई ना विपुल सर की शादी हुई थी, दोनों की शादियां नहीं हुई हुई थी। मैं एक एक चीज आपको क्लियरली बताऊंगा इस वीडियो के अंदर ताकि आपको ध्यान लगे। हम लोगों ने जस्ट कॉलेज किया था और मैंने एमबीए एमकॉम किया, विपुल सर ने एमबीए करा फाइनेंस, और मैंने फाइनेंस में किया, विपुल सर ने एचआर और मार्केटिंग में, उन्होंने एमबीए करा। उसके बाद में हम इस फील्ड में उतर गए। हालांकि हम पहले से स्कूल टाइम से हम लोग एमएलएम इंडस्ट्री में एक कंपनी है जिसका नाम है एमवे कंपनी, वो हम लंबे टाइम से करते आ रहे थे, लगभग 6 साल स्कूल टाइम से हम जुड़ गए थे और उसे कर रहे थे, वहां से भी काफी कुछ सीखा था। फिर हमारे नजर में एक कंसेप्ट आया तो हमने सोचा क्यों ना इसे स्कूल में किया जाए। हमने हमारी टीम के साथ डिस्कस किया कि इसे स्कूल में कैसे करें। अब स्कूल में करने के लिए तो हमारे को चाहिए पकड़ कंसेप्ट की, तो हमने पहले प्रैक्टिस की कंसेप्ट की, फिंगरप्रिंट लिए लोगों के, रिपोर्ट जनरेट करी, काउंसलिंग करी, प्रैक्टिस हुई। काउंसलिंग के ऊपर भी हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा, उसका वीडियो मैं आपको अलग बनाऊंगा, उस वीडियो को आप जरूर सुनिएगा। लाइफ की पहली मैंने काउंसलिंग करी, बड़ी ही हंसी आएगी आप लोगों को कि किस तरह से गलत सलत टूटी फूटी काउंसलिंग हम लोगों ने की। पहली काउंसलिंग तो ऐसी ही होती है शुरुआत, तो कैसे हमें धक्के खाने पड़े, लोगों ने हमें क्या कहा, हमारे साथ क्या स्थिति हुई, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आज हम बात करने वाले हैं स्कूल के अंदर हम लोगों ने क्या सीखा। तो देखिए स्कूल के अंदर जब हम लोगों ने शुरुआत की, हमने तय कर लिया कि स्कूल में करना है, तो अब स्कूल में करने के लिए हमारे दिमाग में आया कि अगर डायरेक्ट ही हम चले गए प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल स्कूल में जिस भी अथॉरिटी से मिलने के लिए, तो ऐसा लगेगा कि अरे डायरेक्ट ही कंपनी के ओनर आ गए सीधा मिलने के लिए, इनके पास तो कोई टीम ही नहीं है। तो हमने ऐसा विचार था हमारा, तो हम लोगों ने कुछ हमारे यार दोस्तों से बात की, हमने हमारा एक मित्र पकड़ा, दो पकड़े, तीन पकड़े, ऐसे 2-3 मित्र हम लोगों ने हमारे उन दोस्तों को पकड़ा और हमने उनसे निवेदन किया कि यार तुम जो है हमारे साथ में जुड़ जाओ इस काम के अंदर और तुम्हें भी हम कुछ मॉनेटरी टर्म में बेनिफिट देंगे और हमारी जगह तुम जाके बात करो स्कूल के अंदर। अब हमारे पास में ना कोई पैम्पलेट, ना कोई बैनर, ना कोई कैटलॉग, ना ब्रोशर, ना कोई स्कूल में आज तक किया हुआ कोई अप्रिसिएशन लेटर, ना कोई एल्बम, ना किसी डिग्निटरी के कभी फिंगरप्रिंट लिए, ना किसी मिनिस्टर के, किसी के नहीं लिए, कुछ था ही नहीं हमारे पास, तो जीरो था। ना बच्चे दिखाने के लिए डेमो, बच्चे दिखाने के लिए भी कौन से डेमो थे हमारे पास, जो विदेशों के बच्चे थे जिनके वीडियो यूट्यूब पर पड़े थे वही हमने हमारे डाउनलोड किए लैपटॉप में और उसी को हाथ में लेके दिखाया करते थे, देखो बच्चों में ऐसे रिजल्ट आता है। अब विदेशी बच्चों से इंडियन बच्चे, इंडियन पेरेंट्स कैसे कोरिलेट करेंगे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने शुरुआत कर दी कि करा जाएगा। तो हम लोगों ने हमारी टीम में एक आदमी को पकड़ा जिसका नाम था चंद्रशेखर, चंद्रशेखर नाम का एक इंसान को हमने पकड़ा। उसने कहा अरे सर आप क्यों चिंता करते हो, मैं तो स्कूल कर दूंगा, प्रिंसिपल को समझा देंगे सारी चीज, आप मुझे आउटलाइन बता दो कंसेप्ट की। तो हमने कहा यार बता तो आपको सब देंगे लेकिन अपने पास कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए। अगर कल को प्रिंसिपल ने बोला कि आप दिखाइए कुछ कैटलॉग, कुछ मटेरियल आपके पास है दिखाने के लिए, तो वो अपने पास में नहीं है। उसने बोला अरे सर आप एक पैम्पलेट दे दो, बाकी सब मैं कर दूंगा। हमने कहा ठीक है भाई, इतना कॉन्फिडेंट बंदा है तो अच्छी बात है। वो एक पैम्पलेट, येलो कलर का एक पैम्पलेट, जो मैं जरूर चाहूंगा कि आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा, मेरे पास आज भी मौजूद है, तो आप साइड में स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उस पैम्पलेट को लेकर जो है वो पर्सन स्कूल में चले गए, दो लोग, प्रेम प्रकाश नाम का व्यक्ति और एक चंद्रशेखर, ये दोनों लोग चले गए स्कूल में और फुल मोटिवेटेड और लाइफ की पहली स्कूल, कभी कुछ ये नहीं पता कि इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, डीएमआईटी की,
मिड ब्रेन एक्टिवेशन का मेडिकल बैकग्राउंड क्या है, किसी ने कुछ पूछ लिया तो हम कैसे समझाएंगे, इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, कुछ नहीं पता, सीधा स्कूल में चले गए, लाइफ की पहली स्कूल। जैसे आप लोगों को जानकारी देने के लिए हम मौजूद हैं, लेकिन हमें जानकारी देने के लिए कोई मौजूद नहीं था, हमने खुद से सीखा है सब। तो हम लोग स्कूल के अंदर जो है बाहर खड़े हो गए, विपुल सर और मैं, अंदर गए हमारे दो साथी रिप्रेजेंटेटिव चंद्रशेखर और प्रेम प्रकाश, स्कूल में गए एकदम एक एक पैम्पलेट हाथ में लिए हुए, पत्ते जैसे उड़ते हैं, जैसे समोसे मिलते हैं कागज में, वैसे एक पैम्पलेट लेकर स्कूल में मौजूद हुए। सामने एक प्रिंसिपल थे डॉक्टर एन के शर्मा नाम के, तो वो प्रिंसिपल जो है स्कूल के अंदर, उनके बाहर बोर्ड जो लगा हुआ था उस पर लिखा था डॉक्टर एन के शर्मा, और अंदर वो दुर्भाग्य से मानो या भाग्य से मानो किसी बच्चे के चोट लग जाने के कारण वो ड्रेसिंग कर रहे थे, पट्टी बांध रहे थे, हाथ में डिटॉल लगा रहे थे, पट्टी बांध रहे थे, उसको पैरासिटामोल फोर जो है तो उसका रैपर में से निकाल के उस बच्चे को दे रहे थे, उसके दर्द हो रहा था। इसलिए ये सीन हमारे ट्रेनर ने देखा, प्रेम प्रकाश और चंद्रशेखर दोनों ने देखा, और बाहर नाम पढ़ा लिखा था डॉक्टर एन के शर्मा, अंदर वो लगा रहे थे पट्टी, हमारे ट्रेनर को लगा रहे तो मेडिकल डॉक्टर है यहाँ बैठा है, इसको अगर हमने डीएमआईटी मिडबैंड समझाई तो ये तो हमारे को उठा उठा के पटकेगा क्वेश्चन में और हम इसके जवाब नहीं दे पाएंगे। और वो घबरा गए कि अरे इसको कैसे जवाब देंगे। उन्होंने हमें फोन किया तुरंत, अरे सर ये तो एमबीबीएस डॉक्टर लग रहा है हमें, और ये तो हमारे को सर पूरा ऊपर नीचे कर देगा, हम इसे कैसे समझाएंगे, प्रिंसिपल होता तो बात चलती, ये तो डॉक्टर है कोई। हमने कहा यार डॉक्टर कहाँ से प्रिंसिपल बन सकते हैं, वो क्यों प्रिंसिपल बनेंगे। खैर उन्होंने हिम्मत करके उस प्रिंसिपल जो है डॉक्टर एन के शर्मा जो मैं आपको बता रहा हूँ, बाद में वो हमारी टीम में जुड़ गए साथ में, लेकिन उनके आगे उन्होंने पैम्पलेट रखा और डॉक्टर साहब ने उस पैम्पलेट को हवा में उड़ा दिया और बोला क्या लेके आए हो, क्या समझाना चाहते हो, और मेरे को मत समझाओ, ये जो समझाना है प्रिंसिपल को समझाओ, मैं तो स्कूल में वाइस प्रिंसिपल हूँ। उनका ये स्ट्रिक्टनेस और बात को नहीं सुनने का जो व्यवहार देखकर हमारे टीम मेंबर और भयभीत हो गए। उन्होंने कहा रहे यार जब ये वाइस प्रिंसिपल इतना कड़क है तो प्रिंसिपल तो हमें रूम में भी घुसने देंगे कि नहीं, पता नहीं क्या होगा। जब प्रिंसिपल से मुलाकात की बात हुई तो प्रिंसिपल के बारे में हमें जानकारी थी कि वो इंग्लिश इतनी फ्लुएंट बोलती हैं, हिंदी बोलती नहीं है। उस मैडम की इंग्लिश सुन के ऐसा लगता है कि ये सपने भी इंग्लिश में लेती होंगी और पानी भी इंग्लिश में पीती होगी, इसको समझाना तो और भारी काम है, और हमारा पैम्पलेट पूरा हिंदी में तो किया कैसा जाए। और चंद्रशेखर और प्रेम प्रकाश जैसे आपको नाम से लग रहा होगा कि ये लोग गांव के लोग, ये कहां से इंग्लिश बोलेंगे और होगा क्या, गजब का नजारा। प्रिंसिपल में रूम में घुसने से पहले उन्होंने हमें कॉल किया, सर क्या किया जाए, वो अंदर तो प्रिंसिपल है, आपने बताया इंग्लिश बोलती है और वाइस प्रिंसिपल ने तो हमारे कागज उड़ा दिए, तो अब अंदर जाके करें क्या। हमने उन्हें एक ट्रिक दी, हमने कहा स्कूल के बाहर जो बोर्ड लगा है उस पर स्कूल के ट्रस्टियों के नाम लिखें, किसी भी एक ट्रस्टी का नाम लेके बोलो कि हमें इस ट्रस्टी ने भेजा है तो हम आपको कंसेप्ट समझाना चाहते हैं। उन्होंने कहा है बहुत बढ़िया रहेगा। उन्होंने ट्रस्टी का नाम लेके स्कूल में एंट्री करी, सामने से प्रिंसिपल ने कहा जिस ट्रस्टी ने तुम्हें भेजा है उन्हीं को जाके कंसेप्ट समझा दो, और प्रिंसिपल ने समझने से मना कर दिया और वो बाहर आ गए। बाहर आने के बाद हमें दोबारा सूचना दी कि सर उन्होंने सुनने से मना कर दिया, अब आप लोग आ जाओ। तो मैं और विपुल सर जैसे ही पहुंचे तो भाग्य से, मैं कहूंगा दुर्भाग्य से नहीं, भाग्य से जैसे हम स्कूल में पहुंचे, पहुंचते ही सामने से स्कूल के सेक्रेटरी आ रहे थे और उनकी एज लगभग होगी 75, लेकिन वो एसबीबी जय बैंक में मेरे हिसाब से जोनल मैनेजर, काफी बड़ी पोस्ट पे रहे, और वो व्यक्ति जो है आ रहे थे चल के, बुजुर्ग आदमी थे। हम लोग भी अंदर घुसे तो हमने जाते ही सबसे पहले, जैसा कि अपने संस्कार दिए हुए हैं माँ बाप के, आप सब लोगों को दिए गए होंगे, हम बुजुर्ग आदमियों के पैर छूते हैं, वैसे ही हम लोगों ने जाते ही सेक्रेटरी महोदय के पैर छुए। उन्होंने बोला बताओ बेटा कैसे, क्या जानकारी चाह रहे हो, कैसे आए यहाँ पर। तो हमने बताया सर मैं तो झुंझुनू से हूँ, क्योंकि मुझे जानकारी थी कि वो सेक्रेटरी महोदय भी झुंझुनू के रहने वाले हैं, तो मैंने भी यही बात बोली कि मैं झुंझुनू से आया हूँ और जो है इस तरह के कंसेप्ट पे हम वर्क कर रहे हैं, एजुकेशनल कंसेप्ट पे, तो मैं बात करना चाह रहा था 5 मिनट के लिए। उन्होंने रूम में बैठाने के लिए बोल दिया कि मेरे रूम में बैठो, उनके ऑफिस में जाके बैठे, उन्होंने सारी चीज सुनी, ऑलमोस्ट 5 मिनट के अंदर सारा सुन लिया, जबकि मेरी लाइफ में पहली बार मैंने एक्सप्लेन किया था और मुझे लगा 5 मिनट में डीएमआईटी मिडब्रेन ईएसपी फोटोग्राफी क्यूएसआर डायनेमिक सब खत्म हो गया 5 मिनट में, मैटर ही नहीं था बोलने के लिए, लेकिन मैंने बोला कम, लेकिन सेक्रेटरी महोदय ने समझा बहुत ज्यादा। तो उन्होंने एक कागज पर लिख दिया कि आपकी फीस कितनी है। हमने कहा 5,500 एक बच्चे से हम लोग लेते हैं और स्कूल में कोर्स कराएंगे 3 महीना। उन्होंने कहा 5,500 स्कूल की साल की फीस है 12,000, आप अगर लोगे 5,500 तो कैसे देंगे पेरेंट, तो आपको फीस कम लेनी चाहिए, आप कुछ इस तरह का कुछ करिए कि बच्चे ज्यादा मिले और फीस कम हो जाए।
तो खैर आगे की जितनी बातचीत हुई उससे सारे निकला कि हमने 3,500 रुपए एक बच्चे की फीस रखी। अब स्कूल के अंदर जब हमने सेमिनार किया तो सेमिनार बड़ा ही जबरदस्त हुआ। स्कूल में बच्चे थे 800। अब जैसा कि मैंने आपको बताया हमारे पास तो डेमो के लिए कोई बच्चा नहीं था दिखाने के लिए। हमने हमारे लैपटॉप के ऊपर विदेशी बच्चों के डेमो दिखाए कि ऐसा रिजल्ट आप सब लोगों में आ सकता है। और बच्चों ने देखा सर कोई लाइव बच्चा दिखाते हैं, आप वीडियो पर दिखा रहे हो। फिर भी हमने हमारे जैसा तैसा कॉन्फिडेंस है उन सारी चीजों ने समझाई और करके दिखाया सबको कि ऐसा ऐसे बच्चे हैं जो कर सकते हैं। सारी एक्सप्लेन किया, डीएमआई कमिटमेंट, सारे स्कूल के टीचर्स खड़े थे, पेरेंट्स भी एक दो खड़े थे, बाकी सारे बच्चे बैठे थे। सेमिनार लिया मैंने और विपुल सर ने, जिसका फोटो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बहुत पुराना है और हो सकता है कि आपको मेरा लुकिंग भी डिफरेंट दिखेगा, विपुल सरकार मेरा अभी बहुत पुरानी बात है इसलिए। अब हम लोगों ने जब सेमिनार किया, सेमिनार करने के बाद जैसा कि हमने बच्चों में एक कागज डिस्ट्रीब्यूट किया और उसके अंदर नीचे सीजर का निशान था कि जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं अपना नाम नंबर मोबाइल नंबर पेरेंट्स का नाम और क्लास लिखकर हमें दे दें और ऊपर का पेज कट करके वो अपने घर पे ले जाए और अपने पेरेंट्स को दिखाए कि इस तरह का प्रोग्राम हमारे स्कूल के अंदर होने जा रहा है। लेकिन हमारे लिए को भाग्य से समर कैंप के नजदीक में मौका मिल गया था ताकि हम ये क्लासेस समर कैंप में करा सकें। तो हम लोगों ने सेमिनार किया, पेरेंट्स की मीटिंग रखी गई, तो जैसे ही हमारे पास डेटा आया 800 बच्चों में से 600 बच्चों ने हमें नाम नंबर लिखकर दिए कि हम इंटरेस्टेड है कोर्स को करने के लिए। 600 पेरेंट्स को कॉल करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है ऐसे इंसान के लिए जिसने लाइफ में कभी पेरेंट्स से बात ही नहीं की इस कंसेप्ट पे। तो मैंने और विपुल सर ने लाइफ में कभी बात ही नहीं की थी और हमारे टीम मेंबर कहां से करते उन्हें तो हमने बताया था, तो वो भी नहीं कर सकते और हम भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हम लोगों ने जैसे टूटी फूटी स्क्रिप्ट तैयार की और तैयार करके पेरेंट्स से बात की, बात करके सभी पेरेंट्स को स्कूल में बुलाया और वापिस से यही डेमो हमने दिखाया और वही लैपटॉप के ऊपर डेमो दिखाया। सारे पेरेंट्स सामने बैठे थे, कंसेप्ट हमने समझाया, लेकिन हमारे में कॉन्फिडेंस आ चुका था क्योंकि हम स्कूल कर चुके थे और हम सेकेंड सीडी पेरेंट्स के सेमिनार से पहले की बच्चों में सेमिनार कर चुके थे और बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स को मोटिवेट करके खींच कर लेके आए थे कि ये कोर्स हमें करना है। आधा काम बच्चों ने कर दिया था, आधा काम हमें करना था, तो हमें लास्ट की लम्हे ठोकनी थी। पेरेंट्स को हम लोगों ने सेमिनार दिखाया, बहुत से पेरेंट्स ने काउंटर क्वेश्चन किए, जैसे तैसे हम लोगों ने जवाब दिया। वो सेमिनार का वीडियो भी आप देख पाएंगे स्क्रीन के ऊपर, एक छोटा सा क्लिप आपको दिख रहा होगा, बाकी आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। उस सेमिनार के अंदर भी हम लोगों ने कैसे क्लास कराई। अब हम सेमिनार के अंदर जब बच्चों पेरेंट्स को हमने इंट्रोड्यूस किया, कंसेप्ट समझाया, बहुत से पेरेंट्स ने कहा कि आप हमारे बच्चों के फिंगरप्रिंट ले लो, फीस हम बच्चों के साथ भेज देंगे। किसी ने कहा मैं ऑनलाइन डालूंगा, किसी ने कहा मैं खुद आके दूंगा, किसी ने कहा पहली क्लास तो करो फीस तो बाद में ले लेना, किसी ने कहा रिपोर्ट तो आने दो फिर ले लेना, कोई बोला आधे पैसे पहले देंगे आधे काउंसलिंग के बाद देंगे, कोई बोला बच्चों में रिजल्ट आएगा तब देंगे देखकर, ऐसे अलग अलग तरह के क्वेश्चन अलग अलग तरह के पेरेंट्स। लेकिन जिन पेरेंट्स ने फीस पहले दी उन सारे बच्चों के हमने एडमिशन लिए। पहले दिन फर्स्ट डे 78 बच्चों के नाम हमारे पास आए जो इंटरेस्टेड थे 3500 रुपए देने में और हमारे को अंदर जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ गया। और मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं तो जो बैग हम लेकर गए थे छोटा, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि इतनी फीस आएगी भी सही क्या, लेकिन जो बैग हम लेके गए थे वो पूरा फुल हो गया था। वो बैग हम वापस भाग के गए और घर पे रखा और दूसरा बैग लेकर आए क्योंकि हो सकता है पेरेंट्स आगे और आने वाले हों। नेक्स्ट डे वापस से उतने ही एडमिशन हुए, थर्ड डे फिर उतने ही एडमिशन हुए और ये 298 एडमिशन हमारे पास में हो गए। उन बच्चों को हमने क्लास कराई, लगभग 10 लाख के आसपास अर्निंग एक स्कूल से हुई। स्कूल के अंदर अब इतने सारे बच्चे हो गए तो हमारे लिए चिंता का विषय हो गया कि हमें स्कूल के अंदर क्लास कैसे कराएंगे इतने बच्चों को। लगभग 300 बच्चों को क्लास कराने के लिए केवल दो इंसान, विनीत सर विपुल सर, क्लास कैसे कराएं, हमें अकेला इतने बच्चों को क्लास कैसे कराऊं, 150 बच्चों को, 150 बच्चों को विपुल सर कैसे कराएं। तो हमने हमारे और कॉलेज के फ्रेंड्स को पकड़ा, लगभग 17 फ्रेंड हमारे, 17 फ्रेंड, कुछ फ्रेंड मेरे कुछ विपुल सर के, 17 फ्रेंड रेडी हो गए क्लास कराने के लिए कि चलो यार तुम्हारे लिए मदद कर देंगे। क्योंकि हमने उन सारे फ्रेंड्स को बोला कि मैं तुम्हें 50 रुपए एक फिंगरप्रिंट लेने के दूंगा, तुम बच्चों के फिंगरप्रिंट लेने में मदद कर दो और क्लास कराओगे तो मैं तुम्हें 500 रुपए हर संडे दूंगा। ऐसा करके हम लोगों ने जैसे तेरे फ्रेंड्स को रेडी किया। ये मैं आज खुल के आप लोगों को वीडियो में बता रहा हूं जो हमारे साथ में शुरुआत के अंदर हुई चीजें। ऐसा आपको अभी लाइफ में कुछ नहीं करना है, उसके नए तरीके तैयार हो गए। स्कूल के हम लोगों ने क्लास की, अब सारे फ्रेंड्स तैयार, सब कुछ तैयार, स्कूल के अंदर क्लास करानी थी। तभी एक इंसान जो वहां के स्कूल के पेरेंट्स थे उसने आपत्ति जता दी और बोला कि इनके पास
कोई लेडीज ट्रेनर नहीं है, इसलिए हमारी स्कूल की लड़कियां, हमारी पेरेंट्स ने बोला हमारे कोई बच्चियां क्लास करने नहीं आएगी क्योंकि ये संडे संडे कराएंगे और संडे संडे तो स्कूल बंद रहता है और ये सब तो जवान लड़के हैं, हम हमारी बच्चियों को कैसे भेज दें। एक पेरेंट ने आवाज उठाई, सारे पेरेंट नेगेटिव, बोला कि क्या किया जाए। हमने कहा सर आपको किसने जानकारी दी कि हमारे पास में लेडीज ट्रेनर नहीं है, हमारे क्लास कराने के लिए एक लेडी आएंगी क्लास कराने के लिए। वो लेडी कौन थी? हम हमारी मदर को लेके गए जिनका नाम है सरोज शर्मा, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो कंपनी में डायरेक्टर हैं, उन्हें हम लेकर गए हमारी मदर को कि ये क्लास कराएंगी, जो कि स्कूल में डिप्टी डायरेक्टर के लेवल पर पहुंच के उन्होंने अपना VRS ले लिया, छोड़ दिया। अभी वो हमारे साथ में इन्वॉल्व हैं और उस क्लास में पहली बार जब स्कूल की थी तब भी हमारे साथ वहां पे मौजूद रही, तो हमारे साथ गई तो सभी पेरेंट को लगा इतनी सीजनड और बुजुर्ग लेडी हैं तो ये साथ में क्लास कराएंगी तो कोई शंका ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी अब आप खुद सोच सकते हैं कि अगर कोई 50 प्लस लेडी है तो वो मिडवेन की एक्सरसाइज कराने में थक जाएंगे, तो हम लोगों ने हमारी कॉलेज की फ्रेंड्स लड़कियों को पकड़ा कि आप यार क्लास कराने में हमारी हेल्प करिए, किसी दोस्त की बहन से रिक्वेस्ट करी कि आप कराओ, तो उन लोगों ने किसी स्कूल के टीचर से हम लोगों ने हेल्प की कि यार आप जो है हमारे, हमने हेल्प मांगी कि हमारी क्लास कराने में हेल्प पाऊं। ऐसे 5 लड़कियां गर्ल्स जो है हमारे पास में आ गई और हम लोगों की मदर भी साथ में थी, हम लोगों ने स्कूल के अंदर शुरुआत की। अब इतने सारे बच्चे, 300 बच्चों को बैठाने के लिए और एक साथ इतनी सारी एक्सरसाइज कराने के लिए कैसे कराया जाए। जब स्कूल के अंदर जब शुरुआत हुई, क्लास सबकी फीस आ चुकी थी, फिंगरप्रिंट आ चुके थे, रिपोर्ट बनने का काम चालू था, पहली क्लास जिस दिन होनी थी उस दिन जो नजारा हमने देखा कि स्कूल का एक ही दरवाजा खुलता था लेकिन 300 बच्चे उस दिन पूरे दोनों दरवाजे खुले, बच्चों का हुजूम अंदर घुसा पेरेंट्स के साथ, जिसे देख के हम दंग रह गए। इतने सारे पेरेंट्स को कराने, बच्चों को क्लास करानी पड़ेगी, हमने लाइफ में पहली बार देखा। सारे बच्चे अंदर आ गए, पानी की बोतल, दरी, ढीले ढाले कपड़े जो हमने इंस्ट्रक्शन दिए थे वो पहन के सब बच्चे सब कुछ करके आ गए, इंस्ट्रक्शन फॉलो करके। पेरेंट्स छोड़ रहे हैं और पेरेंट्स जा नहीं रहे, मजे की बात ये पेरेंट्स जा नहीं रहे, बच्चों को वहां लेके खड़े हो गए, हम भी क्लास देखेंगे, जबकि हम पेरेंट्स को अलाउ नहीं करते। कैसे तैसे रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़ के पेरेंट्स को कहा कि आप जाइए, 4 घंटे बाद जब बच्चों की क्लास और होगी तब आइएगा। बहुत से पेरेंट अड़ गए कि हम क्यों जाएं, हम तो बच्चों की क्लास देखेंगे, बच्चों के साथ क्या होगा, हम खिड़की से देख लेंगे। बड़ी रिक्वेस्ट करके पेरेंट्स को भेजा और क्लास हम लोगों ने चालू की। आपको शुरुआती 11 साल के संघर्ष बता रहा हूं कि हम कैसे हमारे में इतना निखार आया है। क्लास जब चालू की, 300 बच्चे कराने के लिए अब जगह नहीं, तो हमने रूम लिए, चार रूम लिए जिसमें हमने 40-40, 50-50 बच्चे एक रूम में, और एक बड़ा हॉल लिया जिसके अंदर बाकी के बच्चे डाले। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि हमारे पास में थे टोटल 4 रूम जिसके अंदर 50-50 बच्चों के हिसाब से हो गए थे हमारे पास में 200 बच्चे, और एक बड़ा हॉल था जिसमें 100 बच्चों को खड़ा किया। लेकिन अब दिक्कत आ गई कि म्यूजिक सिस्टम नहीं, एक रूम के अंदर म्यूजिक सिस्टम लगाएं कि 5 जगह लगाएं, कैसे लगाएं, म्यूजिक सिस्टम नहीं, क्योंकि खर्चा कभी शुरू में किया नहीं था, पता नहीं था म्यूजिक सिस्टम भी कौन सा, 1700 रुपए का म्यूजिक सिस्टम लाए, अब वो इतना सारा कैसे करते हैं, मैंने समझ में नहीं आया। तभी हमें एक स्कूल के वाइस प्रिंसिपल, जिन्होंने वो कागज उड़ा दिया था, उन्होंने हमारे को जानकारी दी कि आपको म्यूजिक सिस्टम की जरूरत नहीं है क्योंकि स्कूल के हर रूम में डीजी बोर्ड लगे हुए हैं, आप पेन ड्राइव लगा दीजिए, सभी स्कूल के अंदर क्लास अपने आप क्लासेस के अंदर सभी में रूम में क्लास चालू हो जाएगी। हमने फटाफट 6-7 पेन ड्राइव, मुश्किल से 8 GB के पेन ड्राइव हम लोगों ने अरेंज किए, सब रूम में लगा दिए, हॉल में लगा दिया, क्लास चालू हो गई, स्पीकर सब में लगे हुए थे, डीजी बोर्ड पर विजन आ रहा था, क्लास चालू, हर क्लास के अंदर एक 2-2, 3-3 ट्रेनर लग गए, टोटल 17 ट्रेनर ने मिलकर क्लास कराई, बच्चों में सभी में रिजल्ट। अब जिस दिन पहले दिन ही क्लास हुई, अब जैसा कि सेमिनार में ज्यादा बच्चे खींचने के लिए एक आदमी इंसान अपने भाव में बह जाता है और ये बोल देता है कि सभी बच्चों का मिडमेन का रिजल्ट पहले दिन ही आ जाएगा, बच्चे ब्लाइंड फोल्ड करने लगेंगे, तो हमने भी उसी भावावेश में आकर ये सारी बात बोल दी क्योंकि हमें अनुभव नहीं था कि कुछ बच्चों का पहले दिन रिजल्ट आता है, किसी का दूसरे दिन आता है, किसी का 3 दिन आता है, किसी का 12 दिन में आता है, ये जानकारी नहीं थी, लेकिन हमने भावावेश होकर ये चीज बोल दी। बोलने से क्या हुआ, सारे पेरेंट्स का फोकस शिफ्ट हो गया कहां पे कि मेरा बच्चा बनेगा जादूगर, पट्टी बांध के वो सब कुछ करके दिखा देगा। तो जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई, सारे पेरेंट आ गए ये इंतजार करने और अपनी बाहें फैला के खड़े हो गए कि आजा मेरा जादूगर ऐसा करके, और सब लोग आके उसके वहीं पे अपना रुमाल निकाल निकाल के बाहर स्टेडियम में, स्कूल के ग्राउंड में बच्चों के पट्टी बांध रहे हैं, ये कितनी फिंगर है बता, ये गाड़ी की चाबी दिखा रहे हैं, ये कौन सा कलर है, ये मोबाइल का मैसेज क्या, कुछ बच्चे पढ़ पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। बड़ा ही अजीब सा माहौल हो गया
गया, मदारीपना चालू हो गया, बड़ा अजीब, हमने स्कूल की खिड़की से छुप छुप के देखा कि बाहर हो क्या रहा है, क्योंकि सारे पेरेंट अगर ये अपेक्षा लगाए बैठे थे पहले दिन रिजल्ट आ जाएगा, किसी का आता है किसी का नहीं आता है, कुछ पेरेंट नाराज होने लगे कि हमारे बच्चे का रिजल्ट नहीं आया, कोई कह दूसरे से उसको ईर्ष्या होने लगी कि इसका रिजल्ट आ गया इसका नहीं आया, ये सब होने लगा, कुछ बच्चों ने कह दिया कि हमारे में रिजल्ट है तेरे में तो रिजल्ट नहीं है, आपस में अजीब सा माहौल बनने लगा। फिर हम लोगों ने स्टडी किया, रिसर्च किया, जानकारी करी कैसे होता है क्या होता है, तब पता लगा DMIT रिपोर्ट में, जिसके बारे में मैं अक्सर बताता हूँ कि एक म्यूजिकल इंटेलिजेंस और टेम्परल लोब के बारे में दिया होता है, जिसका वो स्ट्रांग होता है उसका ही पहले दिन रिजल्ट आता है, तो उन बच्चों के अंदर रिजल्ट देखने को मिला और जिनमें नहीं था स्ट्रांग उनका नहीं आया, तो उनका 3-4 दिन में रिजल्ट आता है। जो ओवरऑल जो हमारा अनुभव है वो ये कि 12 दिन में सभी का रिजल्ट आ गया। अब सारे बच्चों का जबरदस्त रिजल्ट, अब सारे बच्चों की काउंसलिंग करनी, काउंसलिंग किसको आती है, किसी को नहीं, काउंसलिंग या तो मैं करूं या विपुल सर करे, लेकिन 300 पेरेंट को कैसे निपटाएंगे, इतनी काउंसलिंग कैसे करें। अब जैसे जैसे काउंसलिंग चल रही है, एक पेरेंट की, दो की, चार की, अब मान लीजिए आज संडे है, मैंने 2 पेरेंट की कर दी काउंसलिंग, अब मैं अपने घर भी तो जाऊंगा तो मैं अपने घर चले गया, 3-4 की काउंसलिंग कर दी। मंडे के दिन हम अगर किसी मार्केट में जा रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं, उसी स्कूल का पेरेंट अगर मिल जाए तो पीछे से चलाता, अरे टीम 360 मेरे बच्चे की काउंसलिंग नहीं हुई, अरे उसको पीछे, हम आगे भाग रहे हैं वो पीछे भाग रहा है, बड़ा अजीब नजारा, कह रहा मेरी काउंसलिंग तो कर दो। 300 बच्चों की काउंसलिंग निपटाने में टाइम तो लगता है, लेकिन हम लोग दो ओनली, विपुल सर, विनीत सर, उन्हें कोई दूसरा पेरेंट रोके, हमें कोई और रोके, जैसे तैसे करके हम लोगों ने 3 महीने लगा दिए काउंसलिंग निपटाने में। काउंसलिंग निपटाई, खुद भी शार्प हो गए, पेरेंट्स भी हैप्पी हो गए। अब इसके आगे का एक जबरदस्त नजारा, क्योंकि हम लाइफ में एक बार ही लेते हैं 3,500 स्कूल के अंदर, ऐसा हमने कहा। आगे के एडवांस कोर्स भी होते हैं, लेकिन ये एडवांस कोर्स की रणनीति बाद में आती है, 3 महीने बाद, लेकिन ये तो हमें शुरुआत की पहली स्कूल थी, इसे हमें पता ही नहीं था कि एडवांस कोर्स की भी फीस ली जानी चाहिए और एडवांस कोर्स को कराने के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है वो ध्यान में रखनी चाहिए, हम लोगों ने कभी ध्यान में नहीं रखा। तो एक जबरदस्त नजारा हुआ वो ये कि खुद का तो कोई सेंटर था नहीं, तो 3 महीने कंप्लीट हो गए, बच्चों को क्लास में आता था बहुत मजा, तो 3 महीने बाद जब हमने कहा कि आप क्लासेस और करना चाहो आगे और कर लेना, कोई पैसा नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, पेरेंट्स ने ये बात पकड़ ली, बच्चों ने भी पकड़ लिया कि फ्री के अंदर लाइफ लॉन्ग करते रहेंगे, तो सारे पेरेंट्स ने जो है बात कही कि 3 महीने ओवर हो गए, अभी क्लास कहां करानी है बताइए, आप ही ने कहा था फ्री में क्लास होती रहेगी, हमने कहा आपको बता देंगे, जानकारी दे देंगे। तो हमने सोचा 300 में से कुछ 30-40 बच्चों को बुला लेते हैं एक जगह पे क्लास कराने के लिए, फिर दूसरी बार 30-40 को और बुला लेंगे, ऐसा करके मैनेज करेंगे। तो हम लोगों ने बहुत सेंटर ढूंढे, लेकिन कहीं हमारे को कोई जगह नहीं मिली। फिर हमने हमारे खुद के घर का बेसमेंट, जो कि लगभग 910 स्क्वायर फीट का, उसको तैयार किया, उसके अंदर क्लास कराई। तो हमने बच्चों को जानकारी दी, 30-40 बच्चों को, कि आप यहाँ आके क्लास कर लो, लेकिन बच्चे, माउथ पब्लिसिटी जबरदस्त है, बच्चों ने एक दूसरे को आगे से आगे बात फैला दी, जिसके कारण बच्चे आए 30, फिर आया 31, 32, 33, 34, 35, 50, 60, 70, 80 बच्चे आ गए, जबकि बेसमेंट में कैपेसिटी 25 से 30 बच्चों की, 80 बच्चे आ गए। हम खुद हैरान कि इन बच्चों को कराएं का, इवन आपको मजाक लगेगा लेकिन जबरदस्त मामला, उसका वीडियो भी मैं शेयर करूंगा कि हमारे घर के ड्राइंग रूम, हमारे घर के बेडरूम के अंदर जाके क्लासेस कराई, ताकि पेरेंट्स नाराज ना हो। घर के ऊपर के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो हॉल बना हुआ है, जो हमारे बड़े भाई और भाभी हैं, उनकी रूम के अंदर भी रिक्वेस्ट करी कि इनको क्लास करा के जैसे तैसे निपटाए, बड़ा अजीब नजारा। उसके बाद तुरंत फोन किया प्रिंसिपल को कि ये बच्चे बहुत ज्यादा आ रहे हैं, आप इन्हें रोको। तो उन्होंने बल्क मैसेज करवा के क्लास स्टॉप कराई कि इतने सारे जो है बच्चे वहां पे मत जाओ, इतनी व्यवस्था नहीं है, फ्री में मिल रहा है, सब आए जा रहे हैं, संडे का दिन है, मजे ले रहे हैं, तो सब उस हिसाब से क्लास कराने आए जा रहे हैं। फिर हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी, फिर खुद का सेंटर डिजाइन किया, ऐसी हम लोगों की शुरुआत रही पहली स्कूल की, अर्निंग हुई जोरदार। अब मैं आपको यहां पर एक चीज और बताना चाहूंगा, हम स्कूल में गए थे टैक्सी से, ये वीडियो हम लोगों ने नहीं बनाया, नहीं मैं आपको जरूर बताता। हम स्कूल में गए थे टैक्सी से, मेरी रिसेंटली उस समय शादी हो गई थी, 3 महीने की क्लास कराने के दौरान मैं गया था, मेरी वाइफ थी, मदर थे, फादर थे और विपुल जी थे। हम लोग गए थे स्कूल में, क्योंकि विपुल सर जो है वो मेरे ब्रदर है, मेरे से 20 मिनट छोटे हैं। जब स्कूल की शुरुआत की थी तब हम मैरिड नहीं थे, स्कूल की शुरुआत होने के 3 महीने के दौरान कुछ ऐसी प्लानिंग बनी कि मेरी जो है शादी हो गई थी। अब स्कूल के अंदर जब हम गए थे तो टैक्सी से गए थे, ये हम स्कूल के अंदर, जब हमें क्लास छूट जाने के बाद आना पड़ता था तब हमें टैक्सी से आना पड़ता था, या बाइकों पे या एक्टिवा या इसके ऊपर आते थे, लेकिन हमें छुप के आना पड़ता था, क्योंकि मन में एक भावना रहती थी कि पेरेंट्स क्या देखेंगे कि अरे ये तो कहते हैं कि हम बड़ी बड़ी स्कूलों में क्लासेस करा रहे हैं, हम तो वहां क्लास करा रहे हैं, तो इनके पास तो काफी पैसा होगा, फिर ये टैक्सियों में क्या आ रहे जा रहे हैं। जब सारे पेरेंट्स चले जाते ना तब हम आते, और पेरेंट्स बच्चों को छोड़ने आते उससे पहले हम टैक्सी से आ जाते।
तो हमारे को बड़ा ही ऐसा मामला हो रहा था, लेकिन उस स्कूल को लिए आज भी हम लोग ग्रेटफुल हैं, उस स्कूल के मैनेजमेंट के लिए, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, वहाँ के सेक्रेटरी महोदय के लिए जिन्होंने हमारे को मौका दिया। और स्कूल से जब हम निकले तो सबसे पहला काम ही हम लोगों ने मारुति की सेलेरियो जो टॉप मॉडल गाड़ी है वो सबसे पहले खरीदी, जो लगभग 7,48,000 की हमें पड़ी, 7,48,000 की कैश दे के पहले हम लाए गाड़ी। उसके बाद में हम लोगों ने करी दूसरी पैरामाउंट स्कूल, एसआर इंटरनेशनल स्कूल और ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल, फिर गांव की हमिंग बर्ड स्कूल, बहुत सारी स्कूल हम लोगों ने करी और सब जगह हम लोग छक्के चौके मारते गए और जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा। मैं आने वाले जो वीडियोज हैं उनके अंदर हर स्कूल का एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा, हर स्कूल के अंदर नई चीज सीखने को मिली। लेकिन इस स्कूल से हमारे को जो एक कार मिली और वो कार आज तक हमने सुरक्षित रख रखी है, वो सेल नहीं की, क्योंकि हमारे अफर्ट से थी और हमारे लाइफ में पहला जबरदस्त जो अफर्ट हम लोगों ने किया था उससे, हमारी मेहनत से आई हुई गाड़ी थी। तो हम लोगों ने फिर उसी कार से, और आज तक उस कार से तो दूसरी कार भी है, लेकिन उस कार से हम लोगों ने कई सारे स्कूल करी और वो जो हमारे लिए लकी कार हो गई। स्कूल वो करने के बाद हम कंटिन्यू आगे बढ़ते गए, पीछे मुड़ के नहीं देखा। अभी मैं आपको एक जानकारी दूंगा, मैंने बताया इतने सारे बच्चे हो गए, क्लास कैसे करें आपके मन में भी आता है, अरे इतने सारे बच्चों को कराने के लिए डीजी बोर्ड है, वही सॉल्यूशन हमें उसी क्लास के अंदर प्रिंसिपल ने बता दिया। सेकंड, पेरेंट्स की काउंसलिंग कैसे करें, तो काउंसलिंग हम लोगों ने करी ऑनलाइन, और दूसरा रास्ता निकाला हमने, इस काउंसलिंग की समरी हम लोगों ने 10 पॉइंट की लिख ली और सारे पेरेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दी। उनको पढ़ने के बाद समझ में नहीं आई तो हम लोगों ने की, बाकी सबका हो गया। तो हमारे को एक फायदा क्या हुआ, 300 में से हमें 280 पेरेंट की काउंसलिंग नहीं करनी पड़ी, केवल हमें कुछ पेरेंट की काउंसलिंग करनी पड़ी, बाकी सब समझ गए। लेकिन बाकी जिन लोगों ने हमसे यह चाहा कि आपने जो हमें काउंसलिंग दी है वो हमें पढ़ के सुनाओ, हमें तो समझ में नहीं आया, तो उन लोगों को हमने सुना दिया। बाकी समरी देने का एक जबरदस्त हमने रास्ता खुद ने निकाला, रिपोर्ट जनरेट करी, रात दिन लगे रहे, रिपोर्ट जनरेट हो गई, पकड़ा दिया। 3 से 4 लैपटॉप हम लोगों ने लिए फिंगरप्रिंट लेने में सबका, लेकिन हमने यहां सीखा क्योंकि हमें स्कूल में फिंगरप्रिंट लेने के दौरान जब हम एटीडी एंगल लेते हैं, जैसा कि आप लोग भी लेते हैं, तो उस एटीडी एंगल के अंदर बड़ी मारामारी हो जाती है। बच्चों के एटीडी एंगल लो, फिर फिंगरप्रिंट लो, फिर प्रिंसिपल चिल्लाते हैं आप बच्चों का टाइम खराब कर रहे हो, लाइन लगा दी अपने बच्चों की, क्लास डिस्टर्ब हो रही है। तो हम लोगों ने एटीडी एंगल लेने बंद कर दिए, हमने सोचा एटीडी एंगल क्लास में ले लेंगे जब मिड बैंड की क्लास चालू होगी, अभी फिंगरप्रिंट लेते जाओ। फिंगरप्रिंट और एटीडी एंगल का कोई मैच नहीं है कि रिपोर्ट नहीं बनेगी एटीडी एंगल के बिना, ऐसा तो होता नहीं है, तो आप लोग भी जानते हैं, समझते हैं, ट्रेनिंग ले चुके हैं। तो हम लोगों ने फिंगरप्रिंट ले लिए पहले, बाद में एटीडी एंगल लेके आगे बढ़ गए हम लोग। अब इस स्कूल के अंदर हुई लास्ट के अंदर बच्चों को वीडियो बनाने का, वीडियो बनाए एक एक के जो हमने यूट्यूब के ऊपर डाले हैं, मिड ब्रेन एक्टिवेशन जयपुर या टीम 360 जयपुर आप लिखेंगे तो एक चैनल मिलेगा, उस चैनल पे आप लिख सकते हो केपीएस स्कूल बाय टीम 360, तो आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। वैसे मैं इस डिस्क्रिप्शन के नीचे भी डाल दूंगा और फोटोज में जो है आपको देख ही चुके होंगे स्क्रीन के ऊपर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें आप उस स्कूल की देख पाएंगे जबरदस्त जो हम लोगों ने जो जर्नी जी है उसकी। और मैं एक चीज आपको बता दूंगा, इसी स्कूल से हमें एक जबरदस्त कार के साथ साथ एक अचीवमेंट हुआ कि हमें बाद में पता लगा कि इंडिया के अंदर भी ऐसी संस्थाएं हैं जो ये काम कर रही है, लेकिन ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो ये प्रोग्राम स्कूल में करती हो और 300 बच्चों को एक साथ करती हो। तो ये एक हमारे को जबरदस्त जो है अचीवमेंट हुआ, उपलब्धि हासिल करी कि हमने 300 बच्चों को एक साथ मिड ब्रेन एक्टिवेशन की क्लास कराई, क्योंकि बाद में लोगों ने ऐसा बोला ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 25 बच्चों से ज्यादा आप एक साथ बच्चों का रिजल्ट निकाल सको, लेकिन हमारे पास में ट्रेनर ज्यादा थे, हम लोगों ने मिलकर इसको एक साथ क्लास कराई, सभी बच्चों का रिजल्ट निकला। उसके बाद में हमने आगे की स्कूल्स करी जिसके बारे में मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। जैसा कि मैंने जानकारी दी, लगभग 10 लाख की अर्निंग इस स्कूल से हुई, हमें अर्निंग हुई। जब हमें इतनी अर्निंग हो गई तो हम दूसरे स्कूल्स भी करेंगे तो हमें जबरदस्त अनुभव रहेगा। इसी तरह से मैं आपको आगे की एक स्कूल का बारे में और बताऊंगा, इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में, कि रेजिडेंशियल स्कूल में किस तरह से प्रोग्राम किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा कि जो रेजिडेंशियल स्कूल होती है, जहां पे हॉस्टल होता है, जहां बच्चे रहते हैं, वो स्कूल बहुत ही आसान होती है करनी। ये स्कूल की अलग अलग क्वालिटी है, जहां पे डे बोर्डिंग स्कूल होता है, रेजिडेंशियल स्कूल होता है, गांव के स्कूल होते हैं, कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि हम आपका करिकुलम में ही इस प्रोग्राम को ऐड कर देते हैं, आप फीस कम कर दीजिए। कुछ कहते हैं हमने तो आपको प्लेटफॉर्म दे दिया, आप जानो, पेरेंट्स जाने, हमारे नाम नहीं आना चाहिए कि हमने कुछ अर्निंग करी। सब अपने अपने एक्सपीरियंस मिलेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा अर्निंग वाली, सबसे ज्यादा सहूलियत वाली, जहां पे पेरेंट्स मीटिंग नहीं करनी पड़ती, जहां पे काउंसलिंग नहीं करनी पड़ती पेरेंट्स की, ऐसे स्कूल में अगर आपको प्रोग्राम करना है, सिर्फ बच्चों से ही आपको मुखातिब होना है, सेमिनार करना है, हॉस्टल के वार्डन से बात करनी है और स्कूल में क्लास करानी है, अगर ऐसा आप चाहते हो
तो करनी चाहिए रेजिडेंशियल स्कूल। लेकिन रेजिडेंशियल स्कूल में करने के हमारे क्या अनुभव रहे वो मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा। और कमेंट करके जरूर बताना कि आप इस फील्ड में किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं। मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने का जरूर प्रयास करूंगा। आप सब लोगों ने इतने ध्यान से सुना, उसके लिए थैंक यू वेरी मच।